ये पूरा ये सब ये परसों में तालीस होना ट्रेन रोड वहाँ तक है, नहीं नहीं खाली वहाँ तक इसे मस्जिद यहाँ तक ये रोड नहीं है, उसके बाद वो रोड होना है उसमें इसे ट्रेन कमा कर बैठू। आज भी कलेक्टर टाइप करा लेके आया, अच्छा सबको डाला लेटर में, आपको व्हाट्सएप पे डालता हूँ, क्यों तो नहीं वायदा करे मस्जिद के पास हमारे आदमी जीता, मैं एक 5-10 करोड़ रुपये जो है तो ऐसे करा दूँ आपको। तुम देखोगे, देखिए रोड उधर का देखे, अब इधर भी बताते नहीं, आप मुझे एक बात बोलो, आपका काउंसलर ये रोड लगाया। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, आज हमने यहाँ पर मजलिस कायदीन MIM काउंसलर रज़ीउद्दीन साहब और हमारे मजलिस के 13 वार्ड के 31 वार्ड के जो कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट है जनाब नोमान साहब और हमारे सीनियर सिटीज़न जनाब मोईन साहब के हमरा, हमने आज यहाँ पर मस्जिद नफीसा के पास हमने आज दौरा करते हुए हमने यहाँ पर जो CC रोड का है सो मुशाहिदा किया है और एक कलवट यहाँ पर काम बाकी है जिससे यहाँ पर जो रिहाइश पज़ीर अवाम हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज हमने यहाँ पर दौरा किया है और इंशाल्लाह और हम इस वक्त हमने म्युनिसिपल चेयरमैन साहिबा से बात करते हुए उनसे मुतालिबा किया है कि फ़ौरन यहाँ पर CC रोड कायम किया जाए और यहाँ पर कलवट को तामीरी काम को फ़ौरन शुरू किया जाए और इंशाल्लाह इसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा अवाम के दरमियान रहने वाली जमात है और हम हमेशा अवामी मसाइल को उठाने के लिए जद्दोजहद करते रहे हैं और हम MLA साहब से भी गुजारिश करते हैं कि वो फौरन यहाँ का दौरा करते हुए अब ये यहाँ पर जो CC रोड का काम बाकी है और कलवट का काम बाकी है इसको फौरन तामीर किया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर यहाँ पर अवामी मसाइल को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाएगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश बैठने वाली जमात नहीं है, ये जमहूरी अंदाज़ में इंशाल्लाह बराबर हम एहतजाज करेंगे और जब तक हम ये कामों की तकमील नहीं होंगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर महाज पर हम लोग एहतजाज करेंगे, हर महाज पर हम लोग जिद्दोजहद करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।